हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप देवनाथ और आज मैं फिर से एक और नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई के बारे में। ठीक है, तो मैं वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई के ऊपर बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, आप अगर वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, जहाँ से मैं JWT ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन ये सब मैं दिखाया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग REST API को यूज़ करके पोस्ट को फेच कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं जो ऑथेंटिकेशन सिखाया था उससे मैं पोस्ट करना दिखाया था। ठीक है, और मैं फेच करने वाला भी मैं कोड दिखाया था, लेकिन वो वर्डप्रेस के ऊपर मैं नहीं दिखाया था, वो मैं रिएक्ट JS के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मैं दिखाया था कि कैसे वर्डप्रेस REST API से रिएक्ट JS के अंदर हम लोग पोस्ट को फेच कर सकते हैं REST API एंड पॉइंट यूज़ करके। ठीक है, तो ये कोड भी React JS के ऊपर मैं जो ट्यूटोरियल दिखाया था उसके साथ सिमिलर है। ठीक है, तो क्योंकि वो React JS के ऊपर था, React JS में दूसरे टाइप का कोड रहता है, कोडिंग स्ट्रक्चर, तो इसीलिए मैं वो छोड़ के भी मैं ये वाला कोड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहे जो कि React JS यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल में देखिए बहुत सारा ट्यूटोरियल्स है वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हो वर्डप्रेस के बारे में और अपडेटेड रहना चाहते हैं, गुटेनबर्ग ब्लॉग भी कैसे डेवलप कर सकते हैं उसका ट्यूटोरियल भी मैं बनाया हूँ, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक्चुअल ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में मैं एक ट्यूटोरियल बनाया हूँ ऑलरेडी, मेरे वेबसाइट में आर्टिकल में पोस्ट किया हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप मेरे साइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं रिसेंटली ये पोस्ट किया था, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी कोड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे अपना लोकल एक वर्डप्रेस इंस्टॉल है वहाँ पे मैं आया हूँ, जहाँ पे मैं पहले दिखाया था कि REST API में ऑथेंटिकेशन का जो कोड था वो मैं दिखाया था, तो वो मैं यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, तो इसी इंस्टॉल के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो कि वो ऑथेंटिकेशन यूज़ करके हम लोग पोस्ट किए थे, और यहाँ पे वो पेज है जहाँ से हम लोग पोस्ट किए थे। ठीक है, तो इसी पेज के अंदर मैं एक और एलिमेंट्स ऐड करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग ये जो फंक्शनलिटीज़ है, फेचिंग फंक्शनलिटीज़, वो ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए, ये मैं एक चाइल्ड थीम क्रिएट किया था, तो वो चाइल्ड थीम के अंदर एक मैं टेम्पलेट फाइल था, तो उसके अंदर ही मैं ये किया था। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं अभी का जो रहेगा वो एलिमेंट मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ, जहाँ पे क्लिक करने पे मेरा जो पोस्ट है वो पोस्ट लोड होगा। ठीक है, तो इस बटन को मैं एक ID देता हूँ, पोस्ट बटन, और बटन के नीचे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। ठीक है, जो कि मैं एम्प्टी छोड़ूंगा, और यहाँ पे मैं पोस्ट जो लोड होगा वो पोस्ट को मैं इस डिव के अंदर लोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं सेव करता हूँ, तो अभी अगर जाके मैं देखता हूँ एक बार रिफ्रेश करके, तो ये बटन क्रिएट हुआ है, तो इस बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे इसके नीचे पोस्ट लोड करने वाला हूँ मैं REST API को यूज़ करके। तो REST API में हम लोग ये एंड पॉइंट यूज़ करने वाले हैं, तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों का पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये WP REST, WP JSON, WP V2 पोस्ट, तो ये पोस्ट के लिए है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप चाहे तो अब दूसरा आपका पोस्ट टाइप के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे नोट्स बोल के एक कस्टम पोस्ट टाइप है, तो नोट्स का भी आप चाहे तो नोट्स का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ नोट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो नोट्स पोस्ट टाइप है तो उसका डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं जो पोस्ट के लिए दिखाने वाला हूँ ये कस्टम पोस्ट टाइप के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जेएस फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो API main डॉट जेएस बोल के मैं एक फाइल क्रिएट किया जिसके अंदर मैं कोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो यहाँ पे पोस्ट बटन ये मेरा रहेगा, ये वाला जो लोड पोस्ट बटन मैं क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करने पे काम होगा। तो उसके लिए मैं क्या किया, पहले ये एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं पोस्ट लोड करने वाला हूँ उसको भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम मैं ले लिया। ठीक है, तो अभी मैं पोस्ट बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर यहाँ पे क्लिक के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लिक में यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ कंसोल लॉग पे, क्लिक बोल के एक मैसेज दिया। ठीक है, और अभी क्या होगा, यहाँ पे जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तब हम लोगों का कंसोल लॉग पे दिखाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल पे ये मैसेज हम लोगों को दिखाने वाला है, लेकिन पहले हम लोगों को इसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं फंक्शंस डॉट PHP में आया, और यहाँ पे मैं इस फाइल को कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यह है API.main.js। ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट कर लिया। अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्लिक्ड बोल के मैसेज आ गया है। ठीक है, तो मतलब हम लोगों का फाइल सही से कनेक्ट हो चुका है, तो फंक्शंस का और ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दिया, वार आवर रिक्वेस्ट बोल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये जो HTTP रिक्वेस्ट होगा वो हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करने वाले हैं इस URL पे, तो ये URL मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को देना होगा गेट। ठीक है, क्योंकि हम लोग फेच करने वाले हैं, और उसके बाद आवर रिक्वेस्ट ऑनलोड फंक्शन, ऑनलोड पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑनलोड पे अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, आवर रिक्वेस्ट हम लोगों के रिक्वेस्ट का जो स्टेटस रहेगा, ठीक है, वो स्टेटस हम लोग देखेंगे कि वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब सर्वर से हम लोगों का रिस्पांस जो है वो हम लोगों का सही मिल रहा है कि नहीं। ये अगर हम लोगों का 200 से 400 के बीच में रहा रिस्पांस, ठीक है, तो ये हम लोगों का सही है, मतलब हम लोगों को डेटा मिल रहा है, मतलब सही रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है सर्वर से। ठीक है, और अगर हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर हम लोगों को ये रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मतलब सर्वर से हम लोगों को कुछ एरर रिस्पांस मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का कनेक्शन तो हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वी कनेक्टेड टू दी सर्वर, बट सर्वर रिटर्न्स एरर। ठीक है, तो ऐसा एक मैसेज देंगे, और यहाँ पे वार डेटा
यहाँ पे हम लोगों का जो रिस्पांस आएगा उसको जेसन में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो आवर रिक्वेस्ट डॉट रिस्पांस, ठीक है। तो इसको एज ए जेसन ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर हो चुका है एक्चुअल रिक्वेस्ट का। और यहाँ पे हम लोगों को एक और एरर हैंडल करना होगा, ठीक है। आवर रिक्वेस्ट डॉट ऑन एरर, तो अगर हम लोगों का कनेक्शन में ही प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग उसको भी चेक करने के लिए उसके लिए भी आउटपुट देंगे, ठीक है। कनेक्शन एरर, ठीक है। तो ये एक मैसेज दे देंगे। और इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना होगा, ये रिक्वेस्ट को सेंड करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव किया और अभी मैं एक बार यहाँ पे इसको मैं कंसोल लॉग पे देता हूँ डेटा को। तो अभी मैं एक बार जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, रिफ्रेश किए, तो यहाँ पे अगर लोड पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्स पे हम लोगों का जो जेसन डेटा मिलने वाला है, तो जेसन डेटा का एक ऑब्जेक्ट हम लोगों को रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब हम लोगों का सही से काम कर रहा है। ये डेटा को मैं कंसोल लॉग पे आउटपुट किया था, ठीक है। तो इसको अभी क्या करना होगा, ये जो डेटा हम लोगों को मिल रहा है इसको प्रॉपर HTML में हम लोगों को यूज़र को रिटर्न करना है, ठीक है। क्योंकि यूज़र तो यहाँ पे कंसोल लॉग पे नहीं देखने वाला है, यहाँ पे हम लोगों को लोड करके दिखाना होगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो MTDB लिया था इसलिए मैं लिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग HTML जनरेट करते हैं इस डेटा ऑब्जेक्ट के बेसिस से। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ क्रिएट HTML, और इसके अंदर हम लोग डेटा पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पोस्ट डेटा नाम देता हूँ, और पोस्ट डेटा जैसे मिलेगा उसी हिसाब से यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लूप रन करता हूँ, ठीक है। पोस्ट डेटा डॉट ये लेस देन होगा, पोस्ट डेटा लेंथ जितना होगा, ठीक है, उतना तक हम लोग रन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को 3 रिस्पॉन्स मिला है, तो इसका लेंथ 3 होगा, तो 0 to 3 तक जाएगा, मतलब 0 1 2, ठीक है। और यहाँ पे I++ इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक बार रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो जेसन डेटा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का रिटर्न में क्या है, टाइटल, टाइटल के अंदर रेंडर्ड में हम लोगों का एक्चुअल टाइटल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ऐसे ही हम लोगों को मिल रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करके एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट डेटा, पोस्ट डेटा में यहाँ पे हम लोगों का जाएगा आई, यहाँ पे मैं दूंगा टाइटल डॉट रेंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर रेंडर्ड में है। तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले मैं मुझे इसको कॉल करना होगा। तो इसको मैं कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैं क्रिएट HTML को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा को पास करता हूँ। तो अभी हम लोगों का क्या कंसोल लॉग पे रिस्पांस मिलने वाला है, अभी हम लोगों का टाइटल मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रिंग्स आया है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यह हम लोगों का 3 जो पोस्ट है उसका टाइटल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब सब सही है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल HTML रेंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया वार क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग HTML जो पॉपुलेट होने वाला है उसको स्टोर करने वाले हैं।
तो ये पोस्ट HTML बोल के एक मैं वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर अभी मैं स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे पोस्ट HTML, इसके अंदर मैं देता हूँ H2 यहाँ पे क्लोज होगा, और यहाँ पे हम लोगों का टाइटल होगा ये। तो उसके बाद पोस्ट HTML में एडिशन होगा, पोस्ट का जो कंटेंट होगा वो। तो टाइटल यहाँ पे हम लोग पहले दिखा दिया, उसके बाद हम लोगों का कंटेंट लगेगा। तो कंटेंट के लिए देखते हैं, कंटेंट हम लोगों का है, कंटेंट भी देखिए कंटेंट रेंडर्ड बोल के है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग ये जैसे है सिर्फ टाइटल को कंटेंट से बदल दिए, और उसके बाद इसको भी कॉन्केटिनेट करना होगा, क्योंकि लूप में जो आएगा एक के बाद एक ऐड होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको, ये जो एलिमेंट था इस एलिमेंट के अंदर हम लोग देंगे। तो यहाँ पे पोस्ट कंटेनर डॉट इनर HTML यहाँ पे जाएगा पोस्ट HTML, ठीक है। तो इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का कॉल हो रहा है, ठीक है, तो मुझे सही लग रहा है। तो अभी मैं जाके इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ लोड HTML। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का पोस्ट लोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी पोस्ट आउटपुट आएगा वो सब हम लोग यहाँ पे अभी फेच कर रहे हैं REST API एंड पॉइंट के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको ये REST API एंड पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसका आर्गुमेंट्स के बारे में जानना है, तो इसके लिए आप गूगल में आके टाइप कर सकते हैं WP REST API POST, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट के रिगार्डिंग रेफरेंसेस मिल जाएगा, ठीक है। ये जो लिंक है developer.wordpress के ऊपर, और या फिर ये पहला जो रिज़ल्ट है v2api.org, ये दोनों में से ही आप किसी एक में जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पार्ट पेज सर्च, ठीक है, ये सब अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पार्ट पेज मुझे 1 चाहिए, ठीक है, तो एक ही रिस्पांस हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च भी यहाँ से कर सकते हैं, सर्च इक्वल टू यहाँ पे आपका सर्च स्ट्रिंग जो भी आप देना चाहें, ठीक है। इस हिसाब से आप अगर ऑर्डर करना चाहें, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर क्या आता है, वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। आप अगर चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका पुराना वाला पोस्ट पहले दिखाएगा और नया वाला पोस्ट बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ल्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल के समय आता है, और उसके बाद मैं ये सब ऐड किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूँगा ऑर्डर ASC, तो अभी मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद लोड करूँगा, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डरिंग चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशंस है, ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। तो यही था ट्यूटोरियल आज का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके साथ फिर से बात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।